हेलो गाइस, हुंडई क्रेटा 23 मॉडल ब्लैक डार्क एडिशन मॉडल जो टॉप एंड वेरिएंट ये है, उसमें कंपनी ने 360 कैमरा नहीं दिया था तो ऑटोबुल ने इंस्टॉल कर दिया है DSC प्रो सीरीज किट फॉर हुंडई एंड किया फॉक्सवैगन जीप कंपास के लिए। सो आपके पास हुंडई का गाड़ी है, फॉक्सवैगन का गाड़ी है, जीप कंपास का गाड़ी है, सो उसी के रिगार्डिंग प्रॉपर जस्ट प्लग एंड प्ले 360 कैमरा किट अवेलेबल है, जो एक भी वायर कट नहीं होता और सारे गाड़ी के फीचर्स है वो आपके प्रॉपर वर्क करेगा। सो हमने इंस्टॉल कर दिया है तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये फ्रंट कैमरा इंस्टॉल किया है, देन ये है साइड मिरर वाला कैमरा जो प्रॉपरली इंस्टॉल होता है, एंड इसी तरह हमने ये रियर कैमरास भी इंस्टॉल किया है। सो आप देख सकते हो कि ये रियर कैमरा इंस्टॉल किया है यहाँ पे। सो उसी तरह के इससे प्रॉपर वायरिंग ये प्लग एंड प्ले ये कैमरा इंस्टॉल होता है। अभी मैं इंटीरियर से बात करता हूँ आपको कि गाड़ी में जो कंपनी का टैनी स्क्रीन है ऑटोमेटिक वन है। सो कैसे वर्क कर रहा है, जस्ट हम इंडिकेटर करते हैं ऐसे, सो आपको राइट साइड इंडिकेटर प्रॉपर दिखाता है और ये स्टेयरिंग का जो पार्ट है वो मूवी गाइडलाइंस फ्रंट में भी रहेगा, आप देख सकते हो ये राइट साइड इंडिकेटर हो गया, ये मूविंग का भी आप व्हील पे पता चलता है, देन ये रियर कैमरा है। सो जैसे वर्क कर रहा था प्रॉपर मूविंग गाइडलाइन वैसे ही वर्क करेगा, एंड ये आपको प्रॉपर फ्रंट का दिखाई देगा। सो इस तरह से 360 कैमरा किट इंस्टॉल होता है, जस्ट प्लग एंड प्ले और सारे फीचर्स वर्क होता है। सो आप भी अपनी गाड़ी में इंस्टॉल कराना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हो ऑटोबुल कार एक्सेसरीज वडोदरा, थैंक यू। सो फुल कार यहाँ पे दिख रहा है आपको और ये रियर व्यू है अभी राइट नाउ और रियर का स्टीयरिंग मूविंग गाइडलाइंस भी आपको प्रॉपर पता चलेगा, जैसे कि नंबर प्लेट का पार्ट दिख रहा है थोड़ा सा और ये फ्रंट व्यू है जो काफ़ी बेस्ट वाइड एंगल्स कैमरा प्रोवाइड करता है और ये जस्ट प्लग एंड प्ले किट होता है और सारे फीचर्स तो वर्क होते हैं। जैसे आपको ड्राइविंग टाइम देखना है तो एक रिमोट भी मिलता है ऐसे, सो आप ऑन कर सकते हो तो आप कभी भी कोई भी कैमरा यानी फ्रंट रियर साइड व्यू सारे कैमरेज आप ऑन ड्राइविंग टाइम देख सकते हो। जैसे कंपनी फीचर्स भी देती है U11 तो वो भी एक्टिव होता है जब आप गाड़ी स्पीड पे ड्राइव करते हो तो 20 की स्पीड के बाद ये एक्टिव होता है बटन, सो वो भी फीचर्स एज इट इज़ रहेगा। थैंक यू।